बच्चों आ गए सभी लोग तो अब हम सर्कल चालू करते हैं बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है ठीक है लिखिए सर्कल लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्कल इज एक्स वन कॉमा वाई वन एंड रेडियस इज आर टेक एनी जनरल पॉइंट ऑन दर्कम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल तो बेटा क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एक्स वन कॉमा वाई वन एंड रेडियस आर तो देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर आएगा कि नहीं आएगा स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y minus y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स वन वाई वन सेंटर है बेटा और r है रेडियस तो यदि सेंटर जीरो जीरो हो जाए तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है बेटा नेक्स्ट ये हम इसको ओपन कर देते हैं तो किस टाइप के टर्म आएंगे देखते हैं यदि हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस टू वाई वन वाईक्वल टू आर स्क्वायर आ रहा है तो सर्कल के टर्म क्या स्क्वाइनस टू एक्स वन एक्स माइनस टू वाई वन वाई प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है ये तो समझ में आ गया ना बेटा सिंपल मैंने ओपन कर दिया a ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसमें देखो किस टाइप के टर्म आ रहे हैं एक्स है वाई स्क्वायर आ रहा है एक्स आ रहा है वाई आ, आ रहा है और बाकी सब ये कॉन्स्टेंट है ये सब कॉन्स्टेंट है तो इसको हम इस तरह से लिखते बेटा स्टैंडर्ड जो जनरल इक्वेशन इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद है बेटा मैंने आपको लिखाई थी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री तो उसमें देखो कौशन इसी इस तरह से था ना वो टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी तो इसको कहते हैं बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ से कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्म में गिवेन होगा मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में आपको सर्कल इसी फॉर्म में गिवेन होगा तो यदि इस फॉर्म में गिवेन है सर्कल तो सबसे पहला स्टेप रहता है बेटा इस सर्कल का सेंटर क्या है सर्कल की रेडियस क्या है ठीक है तो सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा देखो माइनस टू एक्स वन आ जाएगा टू जी के बराबर दैट इज एक्स वन हो गया माइनस जी माइनस टू वाई वन हो गया टू एफ के बराबर दैट इज वाई वन हो गया माइनस एफ तो सेंटर क्या होता है भी? बेटा सेंटर एक्स वन वाई वन होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ दट इज माइनस हाफ इंटू कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड इंटू माइनस हाफ इंटू कोफिशेंट ऑफ वाई ये होता है सेंटर बेटा पहले आप समझ लो फिर मैं टाइम दूंगा आप लिख लेना अच्छा दूसरा समझो एक्स वन स्क्स वाई वन स्क्वायर किसके बराबर है C के बराबर है। तो X1 ये अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो रेडियस तो का फॉर्मूला ये है क्योंकि क्वेश्चन बेटा आपको जनरल फॉर्म में ज्यादातर गिमेन हो गई नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन में आपको जनरल इक्वेशन ही होगी सर्कल की तो सबसे पहला सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा और रेडियस निकालनी पड़ेगी उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो सेंटर कैसे निकालते हैं सेंटर निकालने का तरीका है जो क्वेश्चन एक्स है वो क्वेश्चन वाई दिखे उसमें माइनस आपसे मल्टीप्लाई कर देना और रेडियस क्या है रेडियस का ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ठीक है अब बेटा आप लिख लो अच्छे से जी और आप बेटा जो हमने बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में सिमिलर इक्वेशन पढ़ी थी तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से लिखते हैं सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक नोट लिखिए बेटा वाइल कैलकुलेटिंग सेंटर एंड रेडियस सेंटर एंड रेडियस ऑलवेज मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वन कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी वन देखो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर है देखो इसको स्टैंडर्ड तो क्या है? One, one है तो ये ध्यान रखना यदि क्वेश्चन में कभी वन नहीं गिवन मैं तो हमेशा मान लो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर है तो आप क्या करना थ्री से पहले इक्वेशन में डिवाइड कर देना उसके बाद फिर आंसर निकालना लिख लिया बच्चों फाइंड सेंटर एंड रेडियस आपको बतानी है बेटा सेंटर और रेडियस बतानी है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी हाँ बेटा हमने क्या पढ़ा था बेटा कि कोम सेन्डो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले वन बना ले तो हमें सबसे पहले क्या करना है थ्री से डिवाइड कर दो अब आपको किससे कंपेयर कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से तो रेडियस आ जाएगी इससे क्लियर है कि सेंटर है और जीरो जीरो और रेडियस है आर स्क्वायर है वन बाई थ्री तो आर हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री नेक्स्ट वाला आप लोग आप लोगों ने कहा क्या बताया था बेटा सबसे पहले कोविशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वन बनाओ तो थ्री से डिवाइड कर दो ठीक है अब बेटा सेंटर कैसे निकालते हैं क्या लिखा या माइनस हाफ इंटू कोविशंट ऑफ एक्स इंटू माइनस हाफ इंटू कोविशंट ऑफ वाई कितना आ गया तो यार है फोर थ्री थ्री कॉमा फाइव रेडियस का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दैट इज सिक्सटीन बाई नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई नाइन माइनस सी सी कितना है वन है They are root 32 by 9 that is 4 root 2 upon 3. नोट लिखिए बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी बीवाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ सर्कल If, तो बेटा देखो सर्कल का होता है जब ए इक्वल टू बी हो एंड एच इक्वल टू जीरो स्क्वायर होना चाहिए एंड कोफिशेंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी जीरो कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जनरल इक्वेशन और तुमसे कहा कि ये दिस दिस रिप्रेजेंट से सर्कल तो आपको बेटा ये दो कंडीशन आपको वहां पर अप्लाई कर देनी होगी कोई भी इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी वेन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशेंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिख लिया बच्चों अब सेकंड पॉइंट लिखिए सेंटर हम हजुम कर लेते हैं ए कॉमा बी है अच्छा आपको बताना है बेटा यदि सर्कल एक्स एक्सेस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या होगी वाट विल बी द रेडियस इफ सर्कल टच इज इफ टच इज द एक्स एक्स देन वाट विल बी द रेडियस रेडियस क्या होगी हाँ बेटा सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट इज आर इज टू हो जाएगा मॉड बी हमको बेटा मॉड बी लगाना पड़ेगा क्योंकि बी में भी पॉजिटिव बी में नेगेटिव वो तो डिपेंड करता है ना सर्कल के एक्स एक्सेस के अबव है सेंटर या नीचे है सेंटर अच्छा इसी तरह से बताइए ये है वाई एक्सेस यदि वाई एक्सेस को कोई सर्कल टच कर रहा है अब बताइए क्या होगी रेडियस इसकी रेडियस क्या होगी इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी तो आर हो जाएगी मॉड ए ठीक है अच्छा बताइए यदि आर रेडियस का सर्कल है आर रेडियस का सर्कल एक मिनट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों को टच कर रहा है तो सेंटर क्या हो गया बताओ रेडियस इसकी आर है यदि कोई सर्कल है जो इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को टच कर रहा है तो बताइए सेंटर तो रेडियस हो जाएगी ये रेडियस आर है तो सेंटर आर कॉमा आर डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट माइनस आर कॉमा माइनस आर और ये हो जाएगा आर कॉमा माइनस आर यदि आर रेडियस का सर्कल एक्स एक्सएस वाई एक्सेस दोनों को टच करता है तो उसके सेंटर होते होते हैं आर कॉमा आर माइनस आर कॉमा आर डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको फाइंड दी इक्वेशन ऑफ इन सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल तो इन सर्कल कौन सा है ये एक्सेस है ये ऑरिजिन है ये लाइन ये, लाइन की इक्वेशन है बेटा तो आपको ओ ए बी का इन इन सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपको याद है कैसे इन सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे इन सेंटर कैसे निकालते हैं बेटा याद है आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको याद है कैसे निकालते थे हम तो और, ओ तो ओरिजिन है बेटा ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताइए हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ए कोऑर्डिनेट के लिए वाई को जीरो पुट कर दो तो y जीरो पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा फोर तो a के कोऑर्डिनेट होगा फोर कॉमा जीरो सिमिलरली x जीरो पुट कर देंगे तो y आ जाएगा थ्री तो b पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा थ्री ठीक है तो ये फोर है ये थ्री है कोऑर्डिनेट आपको मालूम है अब फॉर्मूला अप्लाई करके निकालिए बेटा तो ये फोर कॉमा जीरो है और बी हमने निकाला जीरो कॉमा थ्री तो ए बी लेंथ आ जाएगी फाइव यूनिट हो जाएगी इन सेंटर का फॉर्मूला आपको याद है बेटा इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी सिमिलरली ए वाई वन प्लस बी वाई टू सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी निकालिए जरा फॉर्मूला अप्लाई करिए बताइए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बेटा वन कामा वन थ्री थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से ट्वेल्व आ जाएगा फाइव को जीरो से फोर को जीरो से जीरो जीरो आएगा डिवाइडेड बाई इसी तरह से ये आ जाएगा थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फोर को थ्री से फाइव को जीरो से डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो आ रहा है यारन सभी स्टूडेंट ने करेक्टली आंसर निकाला तो सेंटर तो मालूम पड़ गया बेटा रेडियस क्या होगी सेंटर वन कॉमा वन है रेडियस क्या होगी वन ही होगी कि नहीं होगी ये तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर ठीक है अब इसको ओपन कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन अरे बेटा सेंटर है वन कॉमन वन रेडियस है वन सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर Secondly, find the equation of circle whose diameters are 2x minus 3y equal to 5, 3x minus 4y equal to 7, and area of circle. एज 154 स्क्वायर यूनिट बेटा आपको डायमीटर दिया है इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं यदि आपको दो डायमीटर मालूम है तो इससे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा कि नहीं होगा तो आप सॉल्व करिए इसको बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताइए इसको देखकर इसको सॉल्व करिए और और वाई निकालिए क्या आ रहा है हाँ, केतन ने सही आंसर निकाला वन कॉमा माइनस वन ठीक है सेंटर तो आ गया अब रेडियस कैसी आएगी तो एरिया एरिया ऑफ़ सर्कल क्या फोर तो पाई होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वायर इक्वल टू वन फिफ्टी फोर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेवन आ जाएगा तो इससे आर स्क्वायर आ गया सेवन का स्क्वायर सेवन तो रेडियस है सेवन सेंटर है वन कॉमो माइनस वन तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ठीक है सिंप्लीफाई आप कर पे कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट माइनस वन कॉमा वन जीरो कॉमा सिक्स फाइव कॉमा फाइव फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द्वार माइनस वन कोमा वन जीरो सिक्स एंड फाइव कॉमा फाइव तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए बेटा तो हमको तीन पॉइंट्स मालूम है तो आप क्या करो सबसे पहले सर्कल को एज्यूम कर लिया करो लेट्स सर्कल एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है ठीक है अब इसमें क्या करो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा दो तो आ जाएगा वन ये वन ये माइनस टू जी टू एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो तो यार दैट इज माइनस टू जी प्लस टू एफ प्लस सी इक्वल टू आ गया माइनस टू फर्स्ट इक्वेशन ठीक है सिमिलरली जीरो कॉमा सिक्स सेटिस्फाई करा दो तो एक्स की वैल्यू जीरो y की वैल्यू सिक्स पुट करेंगे तो ये आ रहा है ट्वेल्व एफ प्लस सी इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स ठीक है और तीसरा है फाइव सेटिस्फाई करा दो तो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन जी प्लस टेन एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो तो ये आ गया 10g plus 10f plus c equal to आ गया minus 50 ठीक है अब इनको सॉल्व करना है तो सबसे आसान है बेटा c को एलिमिनेट करना तो हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट minus 2 कर देते हैं तो क्या आएगा तो ये आएगा minus 2g minus 10f is equal to माइनस टू प्लस थर्टी सिक्स डेट इज थर्टी फोर आएगा इसी तरह से हम कर देते हैं सेकेंड माइनस थर्ड इससे आ जाएगा माइनस टेन जी प्लस टू एफ इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी आ जाएगा फोर्टीन अब इसको सॉल्व करके आप मुझे बताइए जी कितना आ रहा है एफ कितना आ रहा है तो ये कैलकुलेशन हो गया बस अब कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा एफ कितना रहा है माइनस थ्री हाँ बेटा और निकालो <coughs> तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री यूनिट एंड सेंटर लाइज on the line y is equal to x minus 1 and which passes through the point and which passes through the point 7 comma 3 find the equation of circle of radius 3 unit whose center lies on the line y is equal to x minus 1 and which passes through the point 7 comma 3 तो बेटा हम सेंटर को क्या ज़ूम कर सकते हैं? सेंटर देखो कौन सी लाइन में लाई कर रहा है? y क्वाल टू x माइनस वन में। तो हम x को a ज़ूम कर लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? a माइनस वन हो जाएगा ना? सो वी कैन assume सेंटर a कॉमा a माइनस वन। ये समझ में आया आपको? अब ए कॉमा ए माइनस वन और सेवन कॉमा थ्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो और कितनी है थ्री होगी कि नहीं होगी रेडियस के बराबर तो a माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो थ्री का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन ए जाएगा ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट इज इक्वल टू नाइन आ रहा टू ए स्क्वाइनस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस इलेवन ए प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो तो ए की वैल्यू आ रही है फोर एंड सेवन ठीक है तो ए फोर होगा तो सेंटर कितना पॉसिबल है या तो फोर कॉमा थ्री होगा या फिर सेवन कॉमा सिक्स है तो देर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कल दो पॉसिबल सर्कल है आया कि नहीं समझ में अंडर गिवन कंडीशन दो पॉसिबल है सर्कल के तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी <coughs> एक हो जाएगा एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर तो ये हमारे दो पॉसिबल आंसर हैं बच्चों लिख लिया ठीक है बेटा तो आज की क्लास में बस यहीं तक नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में हम सर्कल को कंटिन्यू करेंगे अनिका बेटा अटेंड जूम डाउट सेशन पीएनसी में या किसी भी चैप्टर में डाउट्स हैं तो आप जूम डाउट सेशन अटेंड करिए और अपने डाउट क्लियर करिए किसी भी सर के हो मेरे हो या किसी भी के सर के डाउट जूम डाउट सेशन है आप अपने डाउट सॉल्व करिए मतलब अपने अपने डाउट पूछिए सर आपको एक्सप्लेन करेंगे वन टू वन बेसिस पे पीएनसी तो बेटा कंप्लीट हो गया तो सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं सर्कल आज स्टार्ट हुआ तो सर्कल का कोई होमवर्क नहीं है ओके okay, बेटा बाय बाय गुड नाइट कल मेरा जूम डाउट सेशन है वैसे आप चाहो तो अपने डाउट कल या परसों परसों है शायद तो परसों मेरा जूम डाउट सेशन है तो आप चाहो तो अपने डाउट क्लियर कर सकते हो उस दिन